अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं खड़ियावाला फैसलाबाद से, जहां पर बिलाल टाउन जड़ावाला रोड चक नंबर 266 रेबे में मसीही मेहनत कश मुनीर मसीह वल्द मंगता मसीह की बेटी को अब्बास वल्द अल्लाह रखा और तीन नामालूम अफराद ने छत फलांग कर जबरदस्ती जना करने की कोशिश की। मुनीर मसीह ने नेशनल न्यूज के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर को फोन करके बताया कि हम जरूरी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे, मेरी बेटी घर में अकेली थी तो मुलजमान ने जबरदस्ती जना करने की कोशिश की, जबकि मेरी बेटी के शोर करने पर छोटा बेटा छत पर आया तो उन्होंने उसे भी मारा और असला लहराते हुए फरार हो गए। इस वाकये को मोहल्ले के लोगों ने भी देखा, लेकिन जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, लिहाजा हमने DPO साहिब को मिलकर मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करवा ली है, लेकिन मुलजमान ने अपनी अबूरी जमानतें करवा ली हैं और हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप मसीह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुनीर मसीह ने मजीद बताया कि तकरीबन 7 से 8 माह कबल ये लोग मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसकी वजह से मैंने घर तब्दील कर लिया था। मैं खुणियाल तो बोलन डिया जी, मुनीर मसीह मेरा नाम राहत अबू बोलन डिया जी। साहब जी मैं खुणियाल बोलन डिया फैसलाबाद। बच्ची ना जासी करने की कोशिश की गई जी, बच्ची ने मारिया भी बहुत आ, मुसलमान लटका वा, तो असी दरखास्त दी है जी परसों की, कोई पुलिस ने लिहाजा साड़ी हेल्प नहीं की किसी किस्म की भी। अगे भी 2-3 बार उन्होंने बच्चिया आ जासी धक्का बक्का करना किया, तो उन्होंने आख्या वेख्या जी हट जाओ, तो वो नहीं सर सर कोई भी गल पे आए। हम रात भी बंद घर धमकी धुमकी ला के गए, जो तक हों कर लो फिर अभी कर लाँगे जो साढ़े को होगा। सर लिया साड़ी मदद की जाए, माड़े बंदे हाँ तो मेहरबानी ढी। सलाम सर जी, सर जी ये 4 आदमी से जो इधर से ऊपर आके मतलब बच्ची के साथ सही रास्ते की, 2 आदमी मतलब नीचे थे, 2 आदमी ऊपर आए थे। ये देखो सर, वो ऊपर कपड़े धुलाई कर रही थी, तो ये देखो आप, ये उसने एक चाकू के साथ चूड़ियाँ भी तोड़ी, उसके चाकू के बाद वहाँ पे कट गई, कट भी लगाया। ये देखो ये कपड़े सारे खुले खुले हुए हैं। ये वाकया सुबह 10 बजे था, वो जो अब जास्ती करने लगे तो एक बच्चा नीचे था, उसने चीख जो लगाई तो नीचे वाला बच्चा ऊपर आया ना, जो फिर सर वो भाग गए।